खबर बाराबंकी जनपद से आ रही है, जहां रामनगर क्षेत्र के किसानों व गरीब बेसहारों के मसीहा के नाम से जाने जाने वाले प्रदेश उपाध्यक्ष भाजपा किसान मोर्चा के रामबाबू द्विवेदी ने अपने जन्मदिन के शुभ अवसर पर रामनगर के ग्राम पंचायत देवली में सामाजिक समरसता भोज एवं हजारों की संख्या में गरीबों को कंबल वितरण किया। इसी दौरान किसानों द्वारा उत्पादों की प्रदर्शनी व वृक्षों का वितरण व छात्र छात्राओं के प्रतिभा का सम्मान व कवियों का सम्मान, मेडिकल कैंप सहित हरे रामा हरे कृष्णा का जाप भी किया गया। और इतना ही नहीं, छात्रों को प्रधानमंत्री कौशल विकास मिशन के अंतर्गत प्रमाण पत्र व ड्रेस वितरण किए गए। इस मौके पर पूर्व सांसद प्रियंका सिंह रावत, सांसद संकट वीर शरद त्रिपाठी, हैदरगढ़ विधायक वैजनाथ रावत, पंचावा विधायक राम नरेश रावत, पूर्व जिला पंचायत सदस्य उषा सिंह गौतम, संजीत सिंह, प्रशांत अवस्थी, कुंवर मोनू भास्कर, सतीश वर्मा, जिला महामंत्री मनीषा गुप्ता, महिला मोर्चा जिला उपाध्यक्ष सविता रावत, ज्योति गुप्ता, सैम सोनी, रमन तिवारी, अनिल कनौजिया सहित हजारों की संख्या में लोग उपस्थित रहे। लोगों ने राम बाबू द्विवेदी की इस कार्य से खुश होकर जमकर प्रशंसा भी की। सभी वरिष्ठ जनों के चरणों में सादर नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और ये आज का जो कार्यक्रम है, मैं माननीय अपने अतिथियों को बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर प्रदर्शनी लगी हुई है, सभी जो इनका भी सत्ता में हाजिर होने अभिनंदन करता हूँ। यहाँ पर उपस्थित सभी किसान भाई नेशनल खबर 9, मैं हूं अनिल कनौजिया। आपको बता दूं, हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष जो युवा मोर्चा से हैं, मैं किसान युवा मोर्चा से हैं, मैं उनसे कुछ बातचीत करना चाहता हूं, जो किसी नाम और पद के मोहताज नहीं है और हमारे बीच में मौजूद है, मैं उनसे कुछ बातचीत करना चाहता हूँ। सर, ये जो कार्यक्रम कर रहे हैं, ये किस संबंध में कर रहे हैं, कैसा कार्यक्रम किया? आज यहाँ पर आयोजित सामाजिक समरसता भोज और गरीब सहाय महिलाओं को कंबल वितरण का कार्यक्रम है। इसमें यहाँ पर किसानों का भी कार्यक्रम है, किसानों के लिए अनेक यहाँ पर प्रदर्शनी लगी है, विभिन्न प्रकार से किसानों को किस तरीके से ऑर्गेनिक फसलों को कैसे करना चाहिए उसके लिए तमाम प्रदर्शनियाँ यहाँ पर लगी हैं। पर्यावरण के लिए भी कैसे जागरूक लोग हों उसके लिए भी यहाँ पर प्रदर्शनी आयोजित की गई है। यहाँ पर कौशल विकास योजना के तहत 360 बच्चों को प्रशिक्षित किया गया था, उन सभी बच्चों को यहाँ पर प्रमाण पत्र और मार्कशीट देने का कार्य किया गया है। सभी बच्चों को माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से यहाँ पर ड्रेस वितरण का कार्य किया गया है, जो कि पूरा निःशुल्क है। और ये जो प्रशिक्षित 360 बच्चे यहाँ पर हैं, अलग अलग ट्रेड के हैं, उनको सबको रोजगार देने का कार्य भी हमारे माध्यम से किया जाएगा। इनको कहीं ना कहीं नौकरी दिलाने का कार्य किया जाएगा, इनको स्वावलंबी बनाने का कार्य किया गया है, ये अपना भी रोजगार करेंगे या इनको किसी न किसी कंपनी में रोजगार दिलाने का दायित्व दिया है। ये बहुत अच्छा और सराहनीय कार्य है हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष जी का, जो यहाँ पर गरीब जनता काफी आई हुई है, यहाँ पर उन गरीब जनता को कंबल वितरण का भी कार्यक्रम है। कितने लोगों का कंबल वितरण किया जाए? कंबल बिकने का वितरण करने का लक्ष्य हमारा था गरीब असहाय महिलाओं को, 1001 को लक्ष्य था, लेकिन जनसंख्या बढ़ने के उपरांत मैंने आज दोबारा कंबल भगाए हैं, तो जितने भी लोग होंगे 1000 से ऊपर है, 1012 लोग हैं, सबको कंबल दिया जाएगा। किसी को भी यहाँ से खाली हाथ जाने की आवश्यकता नहीं, सबके लिए हमारे पास पर्याप्त कंबल की व्यवस्था है। और भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष जी मौजूद थे, जो एक जानी मानी शख्सियत के रूप में जाने जाते हैं। आगे ही बने रहिए हमारे नेशनल खबर 9 में, और भी बड़ी खबर।